मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। की हाल चाल है भाई लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सुजीत कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग हिंदी व्याकरण के नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, जिस टॉपिक का नाम है मुहावरे और लोक्तियाँ, एडम्स एंड प्रोवर्ब्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला मुहावरा जो है वो है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मतलब अपना अहित स्वयं करना। मतलब अगर आप एग्जाम में जान रहे थे कि पहला क्वेश्चन का आंसर नंबर बी होगा, लेकिन आप जान करके उसको सी मार दिए, यानी कि आप क्या किए कि अपने पैर पर अपने आप कुल्हाड़ी मार लिए। ठीक है, आगे है अकल बड़ी या भैंस, शारीरिक शक्ति की तुलना में बौद्धिक की श्रेष्ठता होती है। मतलब जिसका ताकत ज़्यादा है, अगर वहाँ पर आपका बुद्धि का टेस्ट लिया जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ होगा। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, मतलब लज्जित होना। ठीक है, मतलब आप किसी ऐसे काम को कर दिए जिससे आपको लज्जा महसूस हो रही है, इसीलिए लज्जित होना मैंने अपना सा मुँह लेकर रह जाना। अपने मन से जानिए पराए मन की बात। ठीक है, अपने मन की भावना के अनुरूप दूसरे को समझें। मतलब अगर आपका दोस्त अगर किसी कष्ट में है, तो उससे मन से ही जान लीजिए कि वो कष्ट में है, ज़्यादा उससे पूछ पाछ ना करें। आगे कुआं पीछे खाई, मतलब हर तरफ विपत्ति होना। ठीक है, अगर आप फौज में भर्ती हो जाते हैं और युद्ध में जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों तरफ विपत्तियां होगी, तो उसमें आप लोग क्या करना होगा, साहस मतलब अपने जीवन में ला करके युद्ध करना होगा। इधर उधर की हाँकना, मतलब व्यर्थ की बातें करना। कुछ लोग होते हैं बातूनी, जो फालतू बात करते रहते हैं, इधर उधर के हाँकते रहते हैं। ठीक है, आगे है गुलर का फूल होना, मतलब दुर्लभ वस्तु होना, मतलब कोई ऐसा वस्तु जो दुर्लभ है, बहुत कम दिखा जाता है वो। उल्टे छुरे से मुड़ना, मतलब मूर्ख बनाकर स्वार्थ सिद्ध कर लेना, मतलब किसी भी व्यक्ति को बुड़बक बनाना और उससे ज़्यादा पैसा वसूल कर लेना, या मतलब मूर्ख बना देना उसको। गंगा लाभ होना, मतलब मर जाना। हथेली पर सरसों उगाना, मतलब अत्यधिक समय के कार्य को तुरंत कर देना। ठीक है, जैसे कि अभी मान लीजिए कि मुहावरा है, मुहावरा यदि मान लीजिए कि सपोज डॉट आधा घंटा इसको लिखने में लगता है, आप 10 मिनट में लिख लेते हैं, तो ये क्या होगा, हथेली पर आप लोग सरसों उगा लिए, मतलब अत्यधिक समय को कार्य को तुरंत कर लेना। ठीक है, आगे है बाप मरे अंधेरे में बेटे का नाम पावर हाउस, माने सामर्थ्य से आगे बढ़कर बात करना। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं कि वो मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा दिखावा शो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप उससे चिपका सकते हैं इस मुहावरा को, कि बाप मरे अंधेरे में बेटे के नाम पावर हाउस। आगे है हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, मतलब अनमेल काम होना, मतलब वहाँ मिस मैच हो रहा है, कोई मैच ही नहीं है, तो हंसुए के ब्याह में खुरपे के गीत होना, तो अनमेल काम हो गया। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, मतलब घर के गुणी व्यक्ति का उतना मान नहीं होता जितना बाहर वाले का होता है। अगर घर में आपके माता पिता, दादा दादी, मतलब कोई गार्जियन आपको कुछ सलाह दे रहा है, तो उनकी बातों को न ध्यान दे करके अगर दूसरे व्यक्ति कुछ सलाह दिया, तो उसके बातों को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर वाले के गुणी व्यक्ति को मानना चाहिए। ठीक है, आगे है अपने मुँह मियाँ मुठ्ठू बनना, मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हैं, वे हैं, मतलब क्या है कि अपना प्रशंसा स्वयं कर दिया। ठीक है, कड़ाही से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, मतलब एक विपत्ति से तो छूटकर दूसरे में फिर आ गया, फंस भी गया, मतलब आसमान से गिरा तो खजूर पर लटका, और खजूर से भी गिरेगा तो नीचे ही जाएगा। आगे है कि ऊँट के मुँह में जीरा, मतलब बहुत थोड़ा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति खाता है एक थाली और उसे दो चार रोटी सिर्फ दे देते हैं, तो उससे क्या होगा, उसको भूख नहीं मिटेगा या संतोष नहीं जाएगा उसके शरीर के अंदर का। कान भरना, मतलब चुगली करना, मतलब इधर उधर की बातें एक दूसरे के साथ करते रहना, चुगली करते रहना। चैन की बंसी बजाना, मतलब मौज करना। ठीक है, मतलब लाइफ में अगर आप कहीं अच्छे जगह पर सेटल हो गए हो, तब क्या होगा, चैन की बंसी बजाना, मतलब मौज कर सकते हैं। जूतम पौजार, मतलब लड़ाई झगड़ा होना। ठीक है, मारपीट होना, लड़ाई झगड़ा होना। पौ बारह होना, मतलब ये देखिए, पौ बारह का इस्तेमाल महाभारत में बार बार करता था शकुनी जो था, मतलब अत्यधिक लाभ होना,
इसीलिए वह कहता था पौ बारह, ठीक है, मतलब अत्यधिक लाभ होना। कान का कच्चा होना माने सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। देखिए ज़्यादा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किया जाता है दोस्तों, आप अगर अपने से देखे हैं या उसका कुछ प्रूफ है तो वैसे ही बातों पर विश्वास किया जा सकता है। हकीम खतरे जान, ठीक है, मतलब अल्प ज्ञान हानिकारक होता है, मतलब अगर किसी बात के प्रति आपको अगर थोड़ा मालूम है तो उसके बारे में ज़्यादा आप व्याख्यान मत कीजिए, ठीक है, मतलब नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान हानिकारक होता है दोस्तों। जैसे कि अधगल गगरी छलकत जाए, मतलब आधा जल से भरी गगरी क्या होता है, छलकते रहता है, उसी प्रकार मतलब ये भी है। आँख का अंधा गांठ का पूरा, मतलब मूर्ख धनी होना, मतलब पैसा पास तो है लेकिन उसके पास दिमाग कुछ नहीं है, तब मूर्ख धनी है। सोने में सुगंध, मतलब सुंदर वस्तु में और गुण होना, ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई सुंदर स्त्री है और उसे सब काम काज भी करने आता है तो क्या होगा, सोने पर सुहागा, मतलब सोने में सुगंध हो गया, मतलब सुंदर भी है और सभी प्रकार का गुण भी मौजूद है, ठीक है। सिर खाना मतलब अवांछित संवाद, मैंने फालतू का बेकार का मतलब बात इधर उधर करते रहना, ठीक है, सिर खाना मतलब अवांछित संवाद। आगे है सिर खपाना, मतलब सोच विचार करना, मतलब किसी मान लीजिए कि कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न के प्रति आप क्या कर रहे हैं, सिर खपा रहे हैं उस पर, मतलब उसके प्रति सोच विचार कर रहे हैं कि वो कैसे बनेगा कैसे बनेगा। तालू में जीभ लगना, मतलब भूख से तड़पना, मतलब किसी दिन आपका अगर डाइट होता है तो डाइट के दिन क्या होता है कि तालू में जीभ लगने लगता है, मतलब भूख से तड़पने लगते हैं। आँख बिछाना मतलब प्रतीक्षा करना, मतलब किसी आगंतुक के आने के लिए कोई व्यक्ति उसका प्रतीक्षा कर रहा है, मतलब आँख बिछा रहा है। अंधे की लकड़ी मतलब एकमात्र सहारा होना, ठीक है, मतलब अंधा व्यक्ति के पास कुछ एक ऐसा सहारा होना जिसके प्रति वो क्या है, निर्छावर है, मतलब उसी से उसका जिंदगी चल रहा है। आगा पीछा करना मतलब हिचकना, मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि भी इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश अगर आप बोलिएगा तो इसमें क्या होगा, आगा पीछा होगा, मतलब हिचकिचाएगा थोड़ा सा। आगे है ठनठन गोपाल, मतलब बेकार, बेकार की बात होना, या ठनठन गोपाल मतलब कि पैसा पास न होना, ठीक है। आगे है अंडे के शहजादा, मतलब अनुभवहीन व्यक्ति, ठीक है, कुछ वैसा अनुभव है ही नहीं और वह शहजादा बन रहा था, अनुभव व्यक्ति है। कांटे बोना मतलब हानि पहुंचाना, ठीक है, किसी के प्रति कांटे नहीं बोना चाहिए दोस्तों, दूसरे को मतलब हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, कांटे बोना मतलब हानि पहुंचाना। आगे है अकल का दुश्मन माने महामूर्ख होना, मतलब अपने पास भी दिमाग ना होना और दूसरों को भी फालतू सा सजेशन देना, मतलब अकल का दुश्मन होना, मतलब महामूर्ख होना। गाल बजाना माने डींग हाँकना, इधर का उधर का जैसे तैसे, ठीक है, गाल बजाना डींग हाँकना। कलम तोड़ देना, ठीक है, मतलब तोड़ नहीं देना है, मतलब कलम तोड़ना। बहुत सुंदर लिखना, ठीक है, राइटिंग में क्या होना, एक्सीलेंट होना। घुटने टेक देना मतलब हार मान लेना, ठीक है, घुटने टेकना मतलब हार मानना कि चलो भाई मंजूर है हार। आगे है सीधे मुंह बात ना करना, मतलब घमंड करना, ठीक है। आगे है आंखें चार होना मतलब प्रेम होना, ठीक है, आंखें चार होना मतलब प्रेम होना, या कह सकते हैं कि सामना करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग राय रखना, मतलब दो चार व्यक्ति अगर समाज में एक निर्णय ले रहे हैं तो पांचवा व्यक्ति क्या है कि अपना अलग ही एक सजेशन दे रहा है, तो क्या होगा, अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आँखें में खून उतरना, ठीक है, आँखों में क्या है, खून उतरना मतलब अत्यंत क्रोधित होना, मतलब बहुत ज़्यादा किसी के ऊपर क्रोधित होना, वैसे क्रोधित होना नहीं चाहिए। आड़े हाथों लेना मतलब डांट फटकार लगाना, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति को कुछ ऐसा गलत काम करते हुए देख लिए तो उसको क्या किए, डांट फटकार कर दिए। आगे है उंगली पर नचाना, मतलब अपने वश में करके और इच्छा अनुसार क्या है, कार्य को करवाना। उसके आगे है उल्टी गंगा बहाना, मतलब लोक मान्यता के विपरीत कार्य करना, मतलब कुछ समाज जब इस बात को मानती है तो आप समाज के विपरीत कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, उल्टी गंगा बहा रहे हैं आप। एड़ी चोटी का पसीना एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, ठीक है, जैसे कि अभी आप अपने स्टेबल पोजीशन के लिए क्या कर रहे हैं, एड़ी चोटी का मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। कान पर जू नहीं रेंगना, मतलब बात पर ध्यान न देना,
मतलब कोई व्यक्ति आपको किसी बात को कह रहा है लेकिन आप उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है, मतलब बात पर ध्यान ना देना। काठ का उल्लू मैंने अत्यंत मूर्ख है, ठीक है, काठ का उल्लू मतलब कितना भी समझाया जाए तो वह अपने उसी इरादे पर अड़िग रहेगा, मूर्ख व्यक्ति मतलब वो काठ का उल्लू है। कुएं में ही भांग पड़ना मतलब सबकी मति भ्रष्ट होना, मतलब समाज के सभी व्यक्ति का जो निर्णय है वो गलत ही आना, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, कुएं में ही भांग पड़ गया, सब लोग पी के उसका क्या हो गया, मात गए। आंख मारना मतलब इशारा करना, ठीक है, चलिए आगे और देख लेते हैं। आगे है दोस्तों, ये तो ऐसे बहुत ही आसान है लेकिन पिछले एक्सरसाइज पुलिस मतलब उत्पाद सिपाही के परीक्षा में पहला ये जो प्रश्न है आ चुका है। जैसे कि 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, तो यहाँ पर पूछा गया था कि 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें थे एक ऑप्शन था कि चोर पुलिस को देख करके भाग गया, तो वही ऑप्शन लगाया गया था, ये आया था। आसान ही आता है, वैसा कुछ हार्ड नहीं आता है। अंगूठा दिखाना मतलब देने से मुकर जाना, मतलब किसी से मान लीजिए कि वादा कर दिए कि तुमको कल मैं पैसा दूंगा और उसे कल क्या कर दिया, अंगूठा दिखा दिया, मतलब देने से मुकर गए। अंधे की लाठी मतलब एकमात्र सहारा। आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा दे देना, ठीक है, किसी व्यक्ति को धोखा देना, वैसे धोखा देना नहीं चाहिए, ठीक है। गुड़ गोबर करना मतलब सब किया कराया क्या है, बर्बाद कर देना, मतलब कोई भी चीज़ जो है मतलब फाइनली वह फिनिश होने जा रहा है लेकिन कोई व्यक्ति आन करके उसको फिर से खराब कर दिया, क्या कर दिया, वो गुड़ गोबर एक कर दिया सब। घाव पर नमक छिड़कना मतलब दुखी को और दुखी करना, ठीक है। चादर से बाहर पैर पसारना मतलब अपनी शक्ति से अत्यधिक खर्च करना। दांत पीसना मैंने क्रोध करना। नाको चने चबवाना मतलब बहुत तंग करना, मतलब किसी व्यक्ति को इतना परेशान कर देना, इतना परेशान कर देना कि मतलब वो व्यक्ति क्या बताया जाए, स्टेबल ना रहे अपने लाइफ में। घी के दिए जलाना मतलब बहुत खुशियाँ मनाना, ठीक है, घी के दिया जलाना मतलब बहुत खुशी मनाना। घोड़े बेचकर सोना मतलब निश्चिंत होना, मतलब आप अगर जॉब सीकर हैं, आप अगर जॉब प्राप्त कर लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, घोड़े बेच के आराम से सो सकते हैं क्योंकि आप क्या हो गए, निश्चिंत हो गए। तो मतलब आशा करता हूँ दोस्तों कि यह जो मुहावरे हैं आपके प्रति बहुत लाभदायक होंगे, वैसे ये झारखंड पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है दोस्तों, ज़्यादा चांस है, ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिख करके और कृपया याद कर लीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों, धन्यवाद।